तो इसी बीच हमारे साथ खबर पर संवाददाता विशाल भारद्वाज जुड़ चुके हैं। विशाल, रामगढ़ उपचुनाव का आज परिणाम आने वाला है, रिजल्ट को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। उपचुनाव में कुल 18 प्रत्याशियों ने इसमें भाग लिया था, लेकिन यूपीए और एनडीए के बीच टक्कर मानी जा रही थी। क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं? लगभग 34,000 वोटों से लीड कर रही है। देखिए, अभी 4 राउंड का जो गिनती है अभी बचा हुआ है, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं जो रामगढ़ का जो ताज है सुनीता चौधरी के सिर पर सजने वाला है। विधानसभा में मौजूद है, बजट सत्र का आज चौथे दिन है। चौथे दिन की अगर हम बात करें, दिनेशी नारायण जो कि बीजेपी के विधायक है, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि रामगढ़ में हम लोग फतेह कर रहे हैं, एनडीए प्रत्याशी जो सुनीता चौधरी है उनकी ही जीत सुनिश्चित है, उन्होंने ऐसा कहा था। देखिए, 1 बज चुके हैं और अब स्थिति ये है कि सुनीता चौधरी लगभग 34,000 मतों से लीड कर रही है। देखिए, 4 राउंड के अभी जो रुझान है आने बाकी है, लेकिन ऐसा हम स्वीकार कर सकते हैं इतने बड़े अंतराल से जीत की जो कड़ी है उसको लीड कर रही है सुनीता चौधरी, जो यूपीए के प्रत्याशी थी। अगर हम बजरंग मतों की बात करें तो 78,770 वोट अब तक उनको मिले हैं। हालांकि 4 राउंड मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो गिनती है अभी बाकी है, लेकिन देखिए लगभग जीत है सुनीता चौधरी, जीत की करीब पहुंच चुकी है। और यही कारण है जो एक पॉजिटिव जो सकारात्मक जो जो फिगर है वो भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें, आंसू की बात करें तो दिखने लगी है। देखिए, रामगढ़ उपचुनाव कई मायनों से अहम था, सम्मान के लड़ाई लड़ी जा रही थी, वर्चस्व का लड़ा जा रहा था। और जो जो दावर नेता मारे जाते हैं, अगर हम सुनीता चौधरी की बात करें, उनके जेल जाने के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा था। तो देखिए, ये वर्चस्व और सम्मान की लड़ाई थी, ऐसा कहा जा रहा था कि बजरंग मतों के प्रचार प्रसार में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित राज्य के बड़े बड़े नेता मंत्री पहुंचे थे, तो जीत जाएंगे। लेकिन अब तक का जो रुझान आया है सुष्मिता, मैं बार बार कह रहा हूँ कि सुनीता चौधरी लीड कर रही है। देखिए, दो बातें अहम है कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इसी बीच रामगढ़ उपचुनाव का जो मतगणना की जो प्रक्रिया है वो भी जारी है। लेकिन जो सकारात्मक जो पॉजिटिव एनर्जी है भारतीय जनता पार्टी सहित आंसू में दिखने लगी है। देखिए, शशि भूषण मेहता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रामगढ़ उपचुनाव हम लोग सुबह ही डिस्कस कर रहे थे, जो रुझान है सुनीता चौधरी के पक्ष में जाता दिख रहा है। साथ ही सर, हम बात आपको बता दें कि नागालैंड त्रिपुरा भाजपा मई होने के करीब है, तो खुशियां आप लोग दोनों हाथों में। आप लोग देखिए, त्रिपुरा पहले से ही हम लोग चुनाव जीते हुए हमारी सरकार थी, और यहाँ जो झारखंड की मैं बात करूँ, इस रामगढ़ उपचुनाव की जो बात करूँ, तो ये मैं पहले भी कहा था और अब और चुनाव प्रचार में भी है। सो लोग हम देखने के बाद है, सो जो वहाँ का रुझान था, लोगों की इच्छा थी बदलाव की, उसके बाद हमने कह दिया था कि भाई इस बार हम लोग चुनाव बहुत काफ़ी वोटों से जीतेंगे या बार मतों से जीतेंगे, और इस बार 1.5 लाख पार, तो 1.5 लाख पार यहाँ की जनता ने सो जनता ने दिखला दिया है, सो रामगढ़ की जनता ने। और ये हम वहाँ के मतदाताओं को बधाई देने के साथ साथ विशेषकर हम कुशवाहा मतदाताओं को हम बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों के बात को विश्वास करके के एनडीए प्रत्याशी को आपने अपार मतों से जिताने का काम किया है, 100 में 100% वोट देने का काम किया है। अब यही स्थिति कुशवाहाओं की बनेगी आने वाले 2024 के चुनाव में और आम चुनाव में, और जितने कुशवाहा मतदाता हैं जो करीब है, सो ये आपका 13% है सो झारखंड के सो आबादी में सो ये कुशवाहा मतदाता हैं, और सभी के सभी एनडीए प्रत्याशी को जिता करके सो एनडीए का सरकार बनाने का काम करेंगे। और ये उपचुनाव के ये की ये अब झांकी है, और अभी 24 का ट्रेलर है सो ये अभी बाकी है, और उसको हम लोग उसको अपार मतों से सरकार बनाएंगे, 2/3 से ज़्यादा से मतों से सरकार बनाएंगे। और ये कहिए कि ये इनके खिलाफ में चुनाव है, इनको मैं समझता हूँ कि हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ में ये मैंडेट मिला है, इसलिए इनको इस्तीफा दे देना चाहिए और नया मैंडेट लेने के लिए आगे आना चाहिए। अब तक 5 उपचुनाव हो चुके हैं, 4 उपचुनाव गठबंधन ने जीतने का काम किया था, जो 5वां उपचुनाव है आप लोगों की झोली में जा रही है, तो एक जो पॉजिटिव जो सकारात्मक एनर्जी है पुनः वापस लौट रहा है। तो क्या झारखंड में जो 2024 में विधानसभा का चुनाव होना है, लोकसभा का चुनाव होना है, जो एनर्जी आप लोगों को मिल रही है वो कायम रहेगी या इसमें भी कुछ लग रहा है कि? देखिए, एनर्जी तो काम है सो रहेगी, और एनर्जी था ही, मेन मामला था कि जब
पहले के जो उपचुनाव हुए थे उस समय वहाँ की इस सरकार से बहुत युवाओं को सरकार देगी ये उम्मीद था, खेतों में पानी मिलेगा ये उम्मीद था, और ये कहिए कि पीने के शुद्ध पानी मिलेगा ये उम्मीद था, लेकिन ये सरकार हर मोर्चे पर विफल रही। आज आप देखें ये सरकार किस प्रकार से करती है, इनकी ये मंत्री किस प्रकार से करती है। एक उदाहरण आपको देना चाहते हैं कि प्लामू के पांकी जिले पांकी में केंद्र सरकार ने दिया कि 60% राशि दी कि आप इसको बृहद जलापूर्ति योजना है, सो कहिए कि बड़े बड़े सो ये आप टैंक बना करके सो नदी से सो स्रोत लेकर के सो पानी सो जल जल नल योजना के तहत घर घर पहुंचाएंगे। इन्होंने क्या किया कि ये पहले की तरह सो बोरिंग कराने के लिए सो टेंडर कर दिया। अब जहाँ पर 200-300 बोरिंग करा कर फिट चापाकल से पानी देने की आप बात कर रहे हैं, और आप देखें कि 1200 फीट में पानी नहीं मिला, ड्राई जोन है, तो ये सरकार 200-300 फीट में कैसे इसको पानी पहुंचाएगी, कैसे इनकी योजना सफल होगी, ये साफ नजर आ रहा है कि ये केवल टेंडर का पैसा खाने, ठेकेदार से पैसा वसूलने के अलावा और कुछ नहीं है। और टेंडर है सो ये ठेकेदार है उसको दरवाजा पर बुलाने और उनका सो कहिए कि प्रतिशत तय करने के अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए इस सरकार के खिलाफ में काफी ऐसा गुस्सा है, काफी ऐसा आक्रोश है, और काफी ऐसा इनके खिलाफ में असंतोष है, और इसी का नतीजा इस रामगढ़ उपचुनाव में। लेकिन पहले जो चुनाव हुए उस पीरियड में इसी बात नहीं थी, लोगों का उम्मीद था, गाँव का उम्मीद हो, चाहे कई किसानों का उम्मीद हो, चाहे ऐसे बेरोजगारों का उम्मीद हो, हर वर्ग का ऐसा उम्मीद था, व्यवसायियों का उम्मीद था, लेकिन ये उम्मीद पूरा नहीं होते देखते देखा लोगों ने। इसके बाद इनके खिलाफ में ऐसा रामगढ़ उपचुनाव में वोट किया है, और इसका आने वाले समय में ये रामगढ़ उपचुनाव का असर है सो सभी विधानसभा में पड़ेगा, और हम 2/3 बहुमत से NDA की सरकार बनाने के लिए सो हम आगे बढ़ रहे हैं। ये पहला कदम है, अब आने वाले समय में देखिए सो ये कारवां बनता जाएगा और हम सरकार बनाते जाएंगे। ये तो बिल्कुल देखिए सुष्मिता, इस वक्त हमारे साथ शशि भूषण मेहता थे, पांकी के विधायक हैं, BJP से आते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा कि जनता का जो आक्रोश था वो अब सामने खुलकर आने लगा है। 2024 की अगर हम बात करें तो झारखंड में विधानसभा लोकसभा दोनों का चुनाव होना है। इनका यही कहना था कि अब जो पॉजिटिव एनर्जी है वो पुनः वापस लौट आई है और हम लोग 2024 में 2/3 से जीतने का काम करेंगे। खैर आज बजट सत्र का चौथा दिन है, चौथे दिन भी कई मामले उठाए गए। हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने राज्य सरकार को भ्रष्ट सरकार बताया और कहा कि भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है, राज्य में जल जंगल जमीन की लूट हो रही है, सरकार मौन होकर बैठी हुई है। खैर अभी भी 4 राउंड बचे हुए हैं सुष्मिता, मैं आपको बता दूं रुझान जो है जो NDA प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी उनके पक्ष में आ रहा है, यानी कुल मिलाकर हम लोग कह सकते हैं कि सुनीता चौधरी के सर पर जो ताज है रामगढ़ का सजने वाला है। जी सुष्मिता बिल्कुल ठीक कहा, सुनीता चौधरी के सर पर अब ताज सजने वाला है, और हमने पहले ही राउंड से देखा कि आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी बजरंग महतो से लगभग 6000 से वोटों से आगे चल रही थी। ये हम पहले राउंड से ही देखते आ रहे हैं विशाल। लेकिन अगर हम बात करें तो चुनाव प्रसार प्रचार के दौरान भी हेमंत सोरेन की ओर से भी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से भी काफी दमखम लगाया गया था, लेकिन नतीजे जो सामने आ रहे हैं वो आश्चर्य करने वाले हैं, क्योंकि आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी जो है वो पहले राउंड से ही आगे चल रही है। जी बिल्कुल देखिए सुष्मिता, दो बातें हैं। अगर हम 2019 विधानसभा चुनाव की अगर इतिहास को थोड़ा पलट कर देखें तो रणंजय कुमार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बनाए गए थे, 31,834 वोट उन्होंने लाने का काम किया था। उस समय सुनीता चौधरी आसू की प्रत्याशी थी, वो भी 71,739 वोट उनका भी आया था, और ममता देवी कांग्रेस की प्रत्याशी बनाई गई थी जिनका वोट 99,934 वोट आया था। देखिए इस बार जो जादुई आंकड़े हैं यही लगाया जा रहा था कि BJP का जो वोट है, आसू का जो वोट है एकजुट हो जाएगा तो निश्चित तौर पर सुनीता चौधरी आगे हो जाएंगी। देखिए इसी समीकरण के साथ आजसू और भारतीय जनता पार्टी ने रणनीति तय किया था और उसी रणनीति का परिणाम है जो आज हम सबको देखने को मिल रहा है। देखिए अगर हम पूरे रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल 4 प्रखंड हैं, 47 से अधिक पंचायत है, 174 गांव हैं। देखिए गोला सबसे बड़ा प्रखंड है और उसमें 89 गांव है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि जो बजरंग महतो के जो सबसे ज्यादा वोटर्स हैं गोला और चितरपुर में ही हैं, लेकिन उसके उलट हम लोगों को देखने को मिला कि जो समीकरण भारतीय जनता पार्टी और आजसू ने जो लगाया था
कि जो वोटों की जो कुल जो बढ़त थी 1,02,000 हो रहा था 2019 के हिसाब से, वो कहीं ना कहीं इस उपचुनाव में काम करते दिखा। यही कारण है कि एनडीए की जो प्रत्याशी हैं सुनीता चौधरी बखूबी 34,000 मतों से लीड कर रही हैं, रुझान उनके पक्ष में आ रहा है। तो देखिए अभी शशि भूषण मेहता का यही कहना था कि इसी रणनीति के तहत 2024 में हम लोग आगे बढ़ेंगे और 81 विधानसभा जो क्षेत्र है उसमें आज जो रामगढ़ में हो रहा है उसका भी हाल यही होगा, यानी कि कुल मिलाकर जो झारखंड की जनता है फिर से एनडीए को यहाँ पर चुनकर भेजेगी और 2024 में यहाँ पर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये शशि भूषण मेहता का कहना था। वहीं अगर हम दूसरी ओर बात करें, राज्य में मौजूदा समय में गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन इसका नेतृत्व कर रहे हैं। तो देखिए सीधे हम ले चलते हैं कि देखिए लंबोदर महतो जी निकले हैं, सुदेश महतो जी निकले, हम सीधे सुनाएंगे क्यों। तस्वीरें दिखा रहे हैं सुष्मिता, सुदेश महतो आशू सुप्रीमो, लंबोदर महतो आशू के विधायक हैं। साफ तौर पर ये जो इंडिकेट कर रहे हैं कि रामगढ़ का जो ताज है वो सजने वाला है और ये सीधे हम सीधे विधानसभा से दृश्य आपको दिखाने का काम कर रहे हैं। आशू सुप्रीमो सुदेश महतो जी और लंबोदर महतो जो कि गोमिया के विधायक है, दोनों साथ ही निकलकर जीत का इंडिकेशन दिया है। खुशी साफ तौर पर इनके चेहरे पर देखी जा रही है। फिलहाल ये प्रेस को संबोधित करेंगे, हम सुनाएंगे सीधे सुष्मिता कि इनका क्या कहना है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर। पॉजिटिविटी बखूबी देखी जा रही है और आप देख सकते हैं हम सीधे विधानसभा से आप तक तस्वीर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। एनडीए में जो खुशी की जो लहर है अभी से दिख रही है, आप देख सकते हैं कि सुदेश महतो विक्ट्री का साइन देते हुए, गोमिया विधायक लंबोदर महतो भी खुशी साफ तौर पर इनके चेहरे पर देखी जा रही है। अब सीधे जो जनता अभी लाइव 7 चैनल देख रही है, हम सुनाने का काम करेंगे कि क्या कुछ कह रहे हैं आशू सुप्रीमो सुदेश महतो और लंबोदर महतो। हम सीधे जुड़ रहे हैं सुदेश महतो जी से और लंबोदर महतो जी। बोले बोले कोई विजय रामगढ़ में उसे रोक दिया, किस तरीके से आप देख रहे हैं। मैं पहले आपके माध्यम से मैं रामगढ़ की जनता का जो वर्तमान में मिला हुआ परिणाम जो सामने आया, जो रुझान आया, उसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और ये जनादेश जो ऊपर के आया है, जो जनादेश दिख रहा है, ये प्रत्यक्ष रूप से इस सरकार को, सरकार के निर्णयों को एक जवाब है। जैसा पहले भी हम लोग कह रहे थे, इस कुशासन के खिलाफ में, जनता के साथ किए गए छल के खिलाफ में, ये जनता का एक बड़ा जवाब रामगढ़ की जनता के माध्यम से आया है। अनिश्चित रूप से ये चुनाव संयुक्त रूप से लड़ा गया, लेकिन परिस्थितियां जो यहाँ पर थी हम लोग राज्य के अंदर, वो कहीं ना कहीं वोट के माध्यम से सरकार को दर्शन हुआ है। ये समय आ गया है, मैंने कहा था कि 2023 का ये चुनाव 24 के आने वाले आम चुनाव से लेकर जो मूल चुनाव होने हैं जो उसको इंकित करेगा, यही सारा उस और है। और आज सुबह मैं धन्यवाद दूंगा अपने वर्कर्स को, खासकर चूल्हा प्रमुख, क्योंकि सभी लोगों ने इस चुनाव को लड़ा, पार्टी के सभी पदाधिकारी, अपने सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारियों को जिन्होंने भरपूर सहयोग इस अभियान में हमें दिया,
मैं उनका, मैं अपने मीडिया के सभी भाइयों का आभार व्यक्त करता हूं, अभी तक मिले रुझान क्या था। ये सरकार के खिलाफ बहुत लंबा मामला है, क्या आपको उम्मीद था कि इतना बड़ा अंतर होगा? निश्चित रूप से हम लोगों ने, मैं पहले कहा कि जो हम लोगों ने डिजाइन तैयार किया था और जिस रूप से हम लोगों ने नीचे तक जाने का काम किया, लगभग कोशिश हमारी रही कि हर 10 परिवार के बीच में हमारा एक लीडर, हमारा एक प्रमुख कार्यकर्ता वहाँ खड़ा रहे और उससे वहाँ की भावनाएं उभर कर आ रही थी और हम लोग पहले ही पता था कि बड़ी जीत होगी। इसीलिए मैं हर बार आपको कह रहा था कि एक बड़ा जनादेश मिलने वाला है, क्योंकि सरकारी पार्टी को और सरकार को, खासकर मुख्यमंत्री जी जिसका नेतृत्व कर रहे थे पूरे चुनाव का, उनको नेतृत्व को चुनौती देना वो साधारण नहीं था। सरकारी पूरा तंत्र, सरकारी पूरा सहयोग, सरकारी महकमा पूरा इस चुनाव में कैंडिडेट है। ये चुनाव एक बड़ा स्वरूप में था और ये चुनाव में जनता की जीत हुई, जनता ने एक बड़ा जनादेश पार्टी के पक्ष में दिया। सरकार के पंचायत में भी आशु को जीत हुई है, ये आंकड़ा निकाल लीजिए। मैंने अपने अभियान का शुरुआत किया था उन्हीं के पंचायत से और वो हमारा कार्यक्षेत्र रहा है और कार्यक्षेत्र पर हमारे जनता पर भरोसा था और वहाँ का आंकड़ा आप देख लीजिएगा। अच्छा, ये सरकार के खिलाफ जो है युवाओं का गुस्सा जो था नियोजन नीति रोजगार को लेकर, लग रहा है कि उसका फायदा मिला आप लोगों को? देखो हर चीजों, देखो झूठ की बुनियाद पे खड़ा ये गवर्नमेंट था, मैंने शुरू ही कहा था इसकी बुनियाद झूठ से बना हुआ है और वो दिख रहा है। जैसे जैसे समय बीतेगा इसके कलर छूटते जाएंगे और आज देखो जब भी मूल विषय पर, जैसे नियोजन जैसा विषय, स्थानीय जैसा विषय पर आज तो कहीं ना कहीं जिसकी बुनियाद झूठ का होगा वो मंजिल बहुत ऊंचा नहीं जा सकता है। राज चलाना, राज को, राज की भावनाओं का कदर करना इस सरकार के और सरकार के जो लीडर्स है इसके माध्यम से संभव नहीं दिखता। पहले भी कहा था और आज भी, भविष्य में भी नहीं। सरकार को जनमानस पूरे समग्र पूरे राज्य की जनता के भावनाओं का सम्मान नहीं किया है। अराजकता की स्थिति देख लो, रोज अपराध की स्थिति देख लो, महिला अपराध की स्थिति देख लो, हर पैमाने पर जहां राज्य को बहुमत के आधार पर आगे बढ़ना था, हम उसी बहुमत में लीडरशिप के अभाव पे ये राज्य पीछे चलता चला गया। अच्छा, आपके चूल्हा प्रमुख को टारगेट किया गया था मुख्यमंत्री की तरफ से भी, लग रहा है कि वो जो कॉन्सेप्ट है चूल्हा प्रमुख का वो काम आया है? मेरे पार्टी का एक निचले लेवल में, हम लोग ये पहला पार्टी है जो कमिटमेंट नीति कर ली, हम लोग ने एक नया लाया था और हम लोग ने नया, हमारे पार्टी में ये कॉमर्स ये चल रहा है अभी, हम सभी लोगों ने तय किया है और हम लोग उसी आधारित काम करते हैं। विकास आधारित जिन विषयों के साथ जनता से अपील करते हैं उन विषयों को पूरा करने के लिए अपना सर्वस्व हम लोग लगा देते हैं, यही तैयारी रहती है, तब जाके खड़ा होकर डेवलपमेंट इशू पर बात करते हैं। पूरे चुनाव को भावनात्मक रूप से लड़ने की कोशिश उनकी रही है, लेकिन हमने अपने एजेंडा से हम लोग खड़े रहे और हम लोग कहा कि रामगढ़ हम लोग लड़ेंगे और रामगढ़ हमारे पूरा डेवलपमेंट, रामगढ़ के विकास, 15 साल का जो जनादेश हमें प्राप्त हुआ, नेतृत्व प्राप्त हुआ, 15 साल में हम किए हुए कार्य के आधार बनाकर हम आगे गए। हम कभी भी राजनीति में ओछी राजनीति, हल्की राजनीति हम लोगों ने नहीं की, सीधे सीधे पब्लिक को उसी इशू पर हम लोग ने रखा और पब्लिक ने इसको स्वीकार किया है, विकास की राजनीति को स्वीकार किया। बोलना चाह रहे थे तुम? ये चार जो चुनाव हुआ था, उपचुनाव जो भावनात्मक दृष्टिकोण से लड़ा गया, ये पहला ऐसा चुनाव है जिसमें उसको मुद्दा लाया गया था लेकिन सफल नहीं हुआ, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? पिछले 4 चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्याशी रहे थे, लेकिन ये चुनाव अभी माहौल चीजें बदली हैं और हम लोगों ने चीजों को रखा है प्रस्तुति उसी रूप से, संयुक्त हम लोग अभियान में रहे, अच्छा जीत हुए। 24 को किस तरह से देखते हैं आप? मैंने कहा इशारा होगा, ये कहीं ना कहीं इतनी बड़ी जीत, छोटा बड़ा जीत होता तो आप बोलते हैं कि ये गणित, इसमें गणित कुछ नहीं है। उनका जितना वोट आसपास होगा, अंततः रिजल्ट आप देखिएगा, जितना वोट उनको प्राप्त होगा लगभग जीत का आंकड़ा उसी के थोड़ा आसपास रहेगा। हम लोग ने अपना टारगेट खुद तय किया था, पार्टी ने तय किया था कि आपकी बार 1.5 लाख पार, हम लोग ने अपना, हमारे चूल्हा प्रमुख के साथ हम लोग सामूहिक शपथ लिए थे कि इस बार का पार्टी का टारगेट होगा कि हम लोग 1.5 लाख आंकड़ा को छुएंगे और लगभग आप अभी देखेंगे जब आएगा परिणाम पूर्ण तो हम उसी आसपास में। हम आप इसको अलग अलग करके ना देखिए, हम जब साथ लड़े हैं, साथ आगे बढ़े हैं तो निश्चित रूप से हमारा सहयोगी, मैंने एक एक कार्यकर्ता का भी आभार व्यक्त करते हैं।
अच्छा, 5 में ये एक ही उपचुनाव आप लोग जीते, वो आज से जीते, 24 में आपकी दावेदारी लग रहा है कि मजबूत होगी? देखो, इसमें कहानी किस्सा बनाना उचित नहीं होगा, लेकिन अभी वर्तमान रामगढ़ की जनता को सलाम, और रामगढ़ ने इतिहास रचा है और राज्य के भविष्य की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम किया। पीछे हटिए। तो बिल्कुल हम जा रहे हैं रामगढ़ लाइव। राधे भाई, रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हुई थी और बहुत ही जल्द अब नतीजे सामने आने वाले हैं। सुदेश महतो का आपने सुना, विशाल उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए। पार्टी के तमाम पदाधिकारियों को और समर्पित और निष्ठावान कार्यकर्ताओं को सबसे पहले मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। विकास के प्रति समर्पण के साथ एनडीए प्रत्याशी को जिताने का काम किए, तो मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ, सभी लोगों के प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और कहीं न कहीं ये जवाब है उन लोगों के मुंह में थप्पड़ है जिन्होंने कहा था कि हम सुदेश महतो को ये उनके लिए जवाब है, ये जवाब है जो चूल्हा प्रमुखों को मूर्ख कर, उनके लिए ये जवाब है। निश्चित रूप से ये उनके लिए जवाब है जो कहते थे कि चूल्हा प्रमुख चूल्हा भोंगने का काम करेंगे। रामगढ़ की जनता ने, रामगढ़ के समर्पित चूल्हा प्रमुखों ने ये साबित कर दिया है, और ये साबित कर दिया है वैसे लोगों के लिए जवाब है कि जो कहते हैं कि हम सुदेश महतो को नेता नहीं मानते, उनके लिए जो चूल्हा प्रमुखों को मूर्ख कहते हैं उनके लिए जवाब है, उनके लिए जवाब है जो कहते हैं चूल्हा प्रमुख चूल्हा फूंकने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जनता ऐसे लोगों को जवाब दे दी है और आगे 2024 में भी जवाब देने का काम करेगी। रामगढ़ की ये जीत मिशन 2024 की शानदार आगाज है, मिशन 2024 का। चलिए, आखिरी प्रश्न आपसे यही रहेगा, राज्य में 5 उपचुनाव हुए, 4 गठबंधन के झोली में गया, 1 एनडीए का झोली में आया है। आपने कहा क्योंकि झारखंड में 2024 में लोकसभा का भी चुनाव होना है, विधानसभा का भी चुनाव होना है, तो हो गई थी वापस, क्या इसका असर? निश्चित रूप से इसका अंतर लोकसभा चुनाव जो 2024 में होना है और जो झारखंड का विधानसभा चुनाव, दोनों में इसका असर पड़ेगा और दोनों चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी शानदार जीत दर्ज करेंगे। चलिए, तो मोदर महतो आजसू के विधायक ने तौर पर कहा कि झारखंड में लोकसभा का चुनाव होना है, विधानसभा का चुनाव होना है, जो मौजूदा असर है उसमें भी देखने को मिलेगी। और बाकायदा आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी यही कहा कि हम लोगों ने 1.5 लाख प्लस वोट है, सोचा था कि ये हमारे फेवर में गिरेगा और जब रुझान अंतिम समय में आएगा तो बखूबी वो देखने को मिलेगा। जी सुष्मिता। चलिए विशाल, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ संवाददाता विशाल, जिन्होंने आप तक सटीक जानकारी और सीधी तस्वीरें पहुंचाई है। तो रामगढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गई है और बहुत ही जल्द नतीजे साफ हो जाएंगे और रामगढ़ को अपना नया विधायक भी मिल जाएगा। लेकिन इससे पहले एनडीए प्रत्याशी सुनीता चौधरी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, वहीं कांग्रेस के बजरंग महतो पीछे चल रहे हैं, रुझानों से यूपीए का रिकॉर्ड टूटता दिखाई दे रहा है।